हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज़ ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितनी अच्छी खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी बनी है। आप भी इसी तरह से मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आपको भी ये खिली हुई साबूदाने की खिचड़ी बहुत मस्त लगेगी। फ्रेंड्स, तो व्रत में आप ये खिली हुई साबूदाने की खिचड़ी खाइए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे जो व्रत में खाई जाती है। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या क्या सामग्री यूज में ली है। ये साबूदाने हैं, ये ड्राई वाले साबूदाने बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको। ये ड्राई साबूदाने एक बॉल के करीब मैंने लिए थे और उसे मैंने 4-5 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था। पहले 2-3 बार इसे वॉश किया था अच्छी तरह से ताकि इसका सारा वाइट स्टार्च निकल जाए, और फिर उसके बाद में 2-3 पानी से धोने के बाद में इसको भिगो दिया था। 4-5 घंटे के लिए भिगोया था फ्रेंड्स। तो जब मैंने इसको भिगो दिया तो इसके डूब जाए इतना ही पानी रहना चाहिए ताकि वो खिले खिले बनेंगे। तो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने भिगो दिया था 4-5 घंटे के लिए और ये डूब जाए इतना ही पानी डाला था मैंने। थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, इस उंगली एक नाखून के बराबर रहना चाहिए ऊपर, और फिर इसे स्ट्रेन कर लिया था। तो आप देखिए स्ट्रेन करने के बाद में कितने खिले हुए साबूदाना है, जरा भी चिपचिपे नहीं बनेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको बताती हूँ, ये प्लेट में डाल के बता रही हूँ। देखिए कितने खिले खिले साबूदाने हैं, ये जरा भी चिपचिपे नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, एकदम मोती जैसे लग रहे हैं। तो अभी हम ये सारे भीगने के बाद में इतना फूल गए हैं और मैंने स्ट्रेन कर लिया है, चलने में फूल गए हैं। और इसमें क्या क्या सामग्री यूज में लेंगे देखिए मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। ये 3 आलू बॉइल्ड आलू हैं, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। और ये मूंगफली के दाने हैं, इसे मैंने रोस्ट कर लिया था। और ये मीठे नीम के पत्ते हैं, हरा धनिया है और हरी मिर्च है। ये दो हरी मिर्च है, इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया। और इसके अलावा मैं ये सेंधा नमक है फ्रेंड्स, और ये काली मिर्च और ये जीरा, ये सब डाल के अभी हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। तो व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने की खिचड़ी देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। अभी हम कढ़ाई गैस पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये गैस जला दी है मैंने और अब मैं इसके ऊपर ये कढ़ाई रख रही हूँ। और कढ़ाई में मैं करीब ये 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। ये घी डालने से टेस्ट अच्छा आएगा फ्रेंड्स। आप ऑप्शनल है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और ये मैं घी डाल रही हूँ। ये घी गर्म हो रहा है, ये घी गर्म हो गया है फ्रेंड्स। ये मैं जीरा डाल रही हूँ इसमें, और इसके बाद मैं ये आलू बॉयल्ड आलू डालूंगी। ये बॉयल्ड आलू डाल दिए, अब इसे हम थोड़ा सा लो थी गैस थोड़ी सी मीडियम करके और इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये लाइट ब्राउन हो गए हैं आलू बॉयल्ड, और इसी में मैं थोड़ी सी मूंगफली मैं इसी तरह से ये डाल देती हूँ। मूंगफली भी डाल दी और थोड़ा गैस अब धीरे कर देती हूँ, और इसके अंदर थोड़ी ये हरी मिर्च डालूंगी। आप देख सकते हैं ये हरी मिर्च भी डाल दी और ये मीठे नीम के पत्ते भी मैं डाल रही हूँ। धनिया हम बाद में डालेंगे फ्रेंड्स, तड़कने की आवाज़ आ रही है आपको। और अब हम ये देखिए कितने खिले हुए साबूदाने हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मैं अब ये आलू भी हो गए हैं, मूंगफली भी हो गई है,
तो अब मैं इसे साबुदाने को स्ट्रेन कर लिया था मैं और डाल देती हूँ। और इसी के अंदर मैं ये नमक सेंधा नमक डाल रही हूँ। अगर आपका व्रत है तो आप सेंधा नमक, नहीं तो आप सिंपल नमक भी डाल सकते हैं फ्रेंड, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और ये काली मिर्च भी डाल रही हूँ। और इन साबुदाने को हम इसी तरह से थोड़ा सा फ्राई करेंगे एक मिनट के लिए। और एक मिनट के लिए मैं इसे अब ढक के रख दूंगी। इसको एक मिनट ढक के रख देंगे तो थोड़ा भाप के अंदर वो साबुदाने ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये साबुदाने हो गए हैं और अब हम गैस बंद कर देते हैं, नहीं तो वो ज़्यादा गल जाएंगे। और ये हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा गार्निशिंग के लिए रख लेती हूँ और इस तरह से। और अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। इतने खिले खिले साबुदाने बनाए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नींबू डालूँगी मैं, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी नींबू डाल सकते हैं। और मैं आपको सर्व करके बताती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी खिली खिली साबुदाने की खिचड़ी बनी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली हुई, एक एक दाना खिल रहा है मोती जैसा साबुदाने का। तो साबुदाने की खिचड़ी आप व्रत में खाइए, खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय।